बीते दिनों दुर्ग को बेमेतरा से जोड़ने वाले धमदा नाका ओवर ब्रिज में दुर्घटना घटी थी, जिसमें 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हिस्सा आज भी जस का तस है। उक्त हिस्से की मरम्मत की मांग को लेकर भाजयुमो ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है और ज्ञापन भी सौंपा है। दुर्ग से बेमेतरा को जोड़ने वाली धमदा नाका ओवर ब्रिज में लगभग 1 माह पूर्व दुर्घटना घटी थी, जिसमें 4 नौजवानों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के कारण ब्रिज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह क्षतिग्रस्त हिस्सा आज तक वैसा का वैसा ही है, जिसके कारण वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है और इसके कारण दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है। इसे देखते हुए युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहू ने लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उक्त क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण यहां बड़ी दुर्घटना पुनः हो सकती है, जिसका जवाबदार लोक निर्माण का सेतु विभाग होगा। वही जल्द से जल्द मरम्मत की जाने की बातें उन्होंने कही। युवा मोर्चा दुर्ग जिला द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग में ज्ञापन दिया है, जिसमें धमदा ओवर ब्रिज जिसमें 1 माह पूर्व एक घटना घटी थी, जिसमें 4 नौजवान युवकों की मृत्यु हो गई थी। घटना से जो ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था, वो ब्रिज आज 1 माह के बाद भी वैसा का वैसा ही है। पुनः वहां पे कोई दूसरी दुर्घटना हो सकती है। उक्त ब्रिज के कारण वहां पर लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आवागमन में समस्या हो रही है, जिस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द ब्रिज निर्माण कर ब्रिज का मरम्मत का कार्य नहीं करते हैं तो उक्त ब्रिज पर युवा मोर्चा चक्का जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट।